2022 में मराठी सीक्वल्स तो कई सारे हैं जिसमें से एक दो एवरेज हुए और बाकी सब फ्लॉप या फिर डिजास्टर हो, एंड इसलिए बॉयस्ट्रीज मराठी फिल्म से मेरी ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। बट वो कहते हैं एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, और बॉयस्ट्री को लेके मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बॉयस्ट्री एक सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं जिसके सिर्फ नाम से लोग थिएटर में फिल्म देखने जाएंगे, और मैं भी गया। इस फिल्म का ड्यूरेशन अराउंड 2 आवर्स है जिसमें डबल मीनिंग कॉमेडी कूट कूट के भरी हुई। डबल मीनिंग ह्यूमर के सारे ये फिल्म लोगों को हंसाने में जरा भी पीछे नहीं हटती। इस फिल्म के फर्स्ट सीन से लेकर लास्ट सीन तक इसका ह्यूमर बढ़ता ही जाता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब स्टोरी लाइन चाहे जैसे भी हो, बस कॉमेडी है, लोग हंस रहे जिसके कारण हमारा इंटरेस्ट लेवल कहीं भी डिप नहीं होता। एडल्ट कॉमेडी ऐसी हो जिससे किसी की इमोशनल सेंटीमेंट्स हर्ट भी ना हो और लोग उसे थरली एंजॉय भी करें। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यही मैजिक ट्रिक या फिर स्मार्ट वर्क बॉयज़ 3 के राइटर ने यहाँ पे किया है। फिल्म की स्टोरी लाइन एकदम जेनरिक है, ऑर्डिनरी है। फिल्म कॉमेडी के मामले में आपको ये फिल्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेगी क्योंकि इसके स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग उतने अच्छे हैं। तो इस फिल्म के राइटर ने हर एक कैरेक्टर को अपना अपना स्पेस टाइमलाइन दिया है कि भाई तुम इस टाइमलाइन में आओ और बारी बारी में अपनी छाप छोड़ के जाओ। तो कबीर, डूंगिया, धैर्य और कीर्ति की रोड जर्नी एकदम फुल्ली एंटरटेनिंग है, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। स्पेशली इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में गॉड लेवल कॉमेडी सिक्वेंसेज है जो मैंने थरली इंजॉय किया। आज के जमाने में सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म बनाना किसी के बस की बात नहीं है, यहाँ पे तो बॉलीवुड भी फेल हुआ है, प्लस कई सारे मराठी कॉमेडी सीक्वल्स भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हुए। बट बॉयज़ 3 को देख के एक बार फिर उम्मीद की किरण जाग उठी है। इस फिल्म के प्रीक्वल से कंपैरिजन में आपको पार्ट 3 में कई सारे क्रॉस कल्चरल एलिमेंट्स भी देखने मिले हैं। स्पेशली सेकंड हाफ में मराठी के साथ साथ कन्नड़ा लैंग्वेज भी यूज की गई है, तो इस ड्रामा को अच्छे से सपोर्ट भी करता है, एंड इसलिए बॉयज़ 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 के कंपैरिजन में एकदम अलग है। तो मराठी में तो बॉयज़ 3 के लीड एक्टर ने धमाल के लिए है, प्लस विद्या चौगुले यांची एक्टिंग एक प्लस पॉइंट आहे, एक सर्वात मोठा एडिट एडवांटेज आहे फिल्मचा। तर तुम्हाला तर माहितीच असेल की बॉयज़ 3 च्या प्रत्येक भागात कबीर हा प्रेमात पडतो आणि प्रत्येक भागाच्या शेवटमध्ये प्रेमात याचे घोडे लागतात। आता पार्ट 3 मध्ये सुद्धा एक लव्ह स्टोरी क्रिएट केली आणि यावेळी त्याची पोंगी कशी वाजते हे बघताना वाईट तर वाटतं पण हसायला पण येते। तर महाराष्ट्राची हास्य जत्रांमध्ये ओंकार भोजने हा किती धमाल करतो हे तुम्हालाही माहिती आहे। आणि आता बॉयज़ 3 मध्ये ओंकारने नरू नावाचा कॅरेक्टर प्ले केला आहे। आता नरू आणि त्यांच्या बॉडीगार्डची जी केमिस्ट्री दाखवली आहे ते बघून तुम्ही असून असून लोटपोट। फिल्मचा डिरेक्शन भी अच्छा, स्पेशली सेकंड हाफ में एक रेसलिंग वाला सिक्वेंस है जो मुझे देखने में अच्छा लगा। तो बात अगर भी म्यूजिक एंड सॉन्ग्स की करूँ तो गाने तो कई सारे, लगनारो 2.0, मना तो शेर ले, चांद माथेवरी, ये तीनों गाने देखने और सुनने में एकदम इंजॉयबल है। तो ओवरऑल फिल्म देखने के बाद मैं इतना तो कह सकता हूँ कि आने वाले अवार्ड शो में कॉमेडी कैटेगरी के सारे अवार्ड बॉयज़ 3 ही लेके जाने वाले। बॉयज़ 3 डेफिनेटली एक ऐसी मराठी कॉमेडी फिल्म है जिसे हिंदी प्लस मराठी ऑडियंस दोनों इंजॉय कर सकते हैं, प्लस ये फिल्म इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी रिलीज हुई है। मीनवाइल अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको कितनी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स ऑन द अपकमिंग वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।